जनरल हाउस की मीटिंग में मेरे साथ हमारी ड्यूटी में पूर्णा शर्मा जी, हमारे ऑनरेबल चेयरमैन, ऑनरेबल कॉर्पोरेटर्स, कमिश्नर साहब, जॉइंट कमिश्नर्स और पूरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्टाफ। ये हमने पिछले हाउस में तय किया था कि अगला हाउस 11 तारीख को लगेंगे, तो बीच में सुझाव आ रहे थे कि थोड़ा जल्दी है आगे करो, लेकिन मैंने बोला ये हाउस में बोला हुआ है हम इसको लाएंगे। आज चाहे निर्मला काशी थी, चाहे और भी कई अलग अलग कार्य में व्यस्त है हमारे कॉर्पोरेटर, ताकि कुछ ना कुछ बिजनेस होगा। मैं श्रीनगर भी बात कर रहा था, श्रीनगर भी अभी तक 100 अलग अलग सिंगल ग्रुप में सेकंड प्राइज मिला, या पहले अर्थ डे में इन्वायरमेंट में भी हमें प्राइज मिला, और इस बार भी सारे कॉर्पोरेशन को और जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को बार बार है कि एक फूड में पहले देश के 50 शहर चुने गए थे, उसका कॉम्पिटिशन हुआ था, उसमें से 20 शहर फिर रह गए, 20 में से 11 शहरों का कॉम्पिटिशन हुआ, तो जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है आपकी एक नंबर पे आई है। आप सबको बहुत बहुत बधाई है, और मैं और जो भिजीना कमीशन और इनकी टीम, हमारे एलडीओ साहब और जो स्मार्ट सिटी को देख रहे हैं फूड सेफ्टी की तरफ से डॉक्टर प्रवेश, वो लोग गए थे, वो प्राइज वहां दिल्ली में मिला, लेकिन उसके साथ कुछ और इसको कैसे अच्छा शहर में जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो फूड वाले हैं, इनको कैसे और अच्छा किया जाए, उसके लिए शहर को डिपार्टमेंट 50 लाख रुपया कॉर्पोरेशन को देगा, तो उसके बाद और भी पैसा 1.5 करोड़ रुपया और भी आएगा। इस तरह आप सब अनरेबल कॉर्पोरेटर और हमारा जिस तरह मैं कहता हूँ कि सफाई साथी से लेकर कमिश्नर तक सब लोग बड़ी मेहनत और लगन के साथ लगे हुए हैं, तभी कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी में भी हम 9th नंबर पे थे। स्मार्ट सिटी का काम भी आगे बढ़ रहा है, बड़ा तेजी के साथ बढ़ रहा है। अभी 3-4 दिन पहले गोल मार्केट में जो हमारे हाई स्ट्रीट अफसर रोड उसका, या जो शहर के बाई हमारी रोटरीज हैं, चौक हैं, वो डिक्रेशन हो रहे हैं, अच्छे स्मार्ट फुटपाथ बन रहे हैं, तो इसी तरह ये तभी के पुल, इसका भी 2 पुल का नेगोशन हो गया, वो जिस तरह बहुत फोर चमक रहा है, इस तरह हमारे चारों पुल तो तभी के वो भी चमकेंगे। कूड़ा डालते हैं तो तभी हम शहर को सफाई दे पाते हैं, अगर वो कूड़ा ना डाले ऑटोज में, अभी भी बहुत सा कमी है, लगभग 70-80% हम शहर को साफ करने में कामयाब हैं। राहुल जी, डीपीसी और देश जी हैं, उनकी पूरी टीम बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम कर रही है। आज कहीं ना कहीं जो हम एक सरोवर लेकर चले थे क्लीन जम्मू का, एक साइकिल स्टैंड का 120 साइकिल जम्मू की तरफ वो बढ़ता हुआ कदम है, 5 शहर में साइकिल ट्रैक बन रहे हैं, वो भी अपने आप में क्लीन जम्मू की तरफ बढ़ता हुआ एक हमारा स्लोगन है, हमारा बदलता जम्मू निकलता जम्मू, उस तरफ जम्मू आज बढ़ रहा है, उसमें जम्मू वासियों का बड़ा सहयोग है। हम सब लोग तो लगे हैं, हमें तो लोगों ने चुना है, हमारा फर्ज भी है और हम करते भी हैं, लोग हमसे करवाते भी हैं, लेकिन जम्मू वासियों का बड़ा सहयोग लीजिए, मैं दिलवाऊंगा 7 दिन में, मैं दिलवाऊंगा महीने में, तो जिसकी कोई इशू होगा वो लेट होगी, अदरवाइज जो नाम्स हैं बहुत जल्द बिल्डिंग प्रोडक्शन हो रही है, उससे भी एक रेवेन्यू भी बढ़ेगा और साथ में लोगों को जो राहत भी मिलेगी। आने वाले समय में और हम कैसे आगे बढ़ सकें, हम सब जहां बैठ के मंथन करते हैं और लोगों के लिए जहां जहां कमी होती है, जो काम कॉर्पोरेशन से अपने जो स्टाफ है इनसे करवाते हैं, जो बाकी डिपार्टमेंट है उनकी स्पेशल मीटिंग भी कर रहे हैं, तो बीच में भी हम लोग करवाते हैं। आज भी 3-4 डिपार्टमेंट को हमने बुलाया हुआ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को बुलाया हुआ है, DFO अर्बन आया हुआ है, SCPWD आया हुआ है, SNPHE आए हुए हैं, AWUED आए हुए हैं, डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ आए हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जब हम वहां जाए कभी मुलाकात होती नहीं होती, जहां आके उनका हमारे साथ परिचय भी हो जाए, दर्शन भी हो जाए, कुछ कमियां हम जहां बता दें, कुछ कमियां रह जाए उनको वहां जाके बताएं, ताकि जम्मू वासियों को हम ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सकें। मैं आपके बीच में ज्यादा ना बोलता हुआ समय को जाता हुआ, पहले हम लोग क्वेश्चन आवर करेंगे, अब बिजनेस रूल हमारे बन गए हैं और प्रयास करेंगे कि बिजनेस पहले रूल ही नहीं थे यहाँ पर, तो उसी बिजनेस रूल में पहले जो आधा हाफ आवर आधा घंटा पहले क्वेश्चन आवर के लिए क्वेश्चन के जवाब हमें मिल जाते हैं सारे, जिसमें कोई कमी रह गई है वो उसको क्लियर कर ले, ताकि हम बाकी रेजोल्यूशन हमारे हो सके।
उसको ही हम नेट करेंगे। हमारे पास पूरा डाटा नहीं बना जम्मू शहर का, जिस दिन हमारा जम्मू शहर का डाटा बन जाएगा, ये 2004 दिन से हमारा 26 करोड़ लगभग जो है एस्टिमेट आ रहा है, 26 करोड़ का इसी से रेवेन्यू आएगा। आगे बढ़ेंगे। अगर रेवेन्यू की बात करूं तो तब हमारा गठन हुआ था नवंबर 18 में, हमारा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टोटल रेवेन्यू 6 करोड़ था, आज वो भी 20-21 करोड़ से आगे बढ़ रहा है। उस जो ऑर्डर थे हाउस से पास करवा के सरकारी गवर्नमेंट का ऑर्डर भी निकल चुके हैं और बहुत सी राहत भी है। जो हमारी कॉलोनी है जैसे JDA हाउसिंग या कॉपरेटिव या प्राइवेट कोई ऐसी कॉलोनी जो रजिस्टर्ड है, उसकी NOC एक ही NOC से आप ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, एक NOC आती है तो प्रोविजनल उसको परमिशन मिल जाती है, उसका काम शुरू हो जाता है।